नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश भर में गणपति पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है, क्या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, सब अपने गजानन को मानना चाहते हैं। और अगर बात देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी यानी लखनऊ की कहें तो यहाँ पर गणपति पूजा कुछ अलग ही महत्व रखती है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के मवैया स्थित मवैया के राजा का पंडाल कुछ अलग ही शोभायमान नजर आ रहा था। यह आयोजन बीते 36 सालों से लगातार चल रहा है। इस मौके पर हमारे सहयोगी दीपक सिंह ने मवैया के राजा के पंडाल का कवरेज किया, जिसमें आयोजन के संयोजकों ने इस महान पर्व की और मवैया के राजा की महिमा बताई। इस दौरान संयोजकों ने बताया कि गणपति आयोजन में तमाम तरह से शैक्षिक और सांस्कृतिक आयोजन भी कराए जाते हैं। आपको बता दें, ये धार्मिक आयोजन 7 सितंबर को शुरू हुआ था और 14 सितंबर को गणपति भगवान के विसर्जन के साथ आयोजन खत्म होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, इस समय हम मौजूद है आलमबाग स्थित मौर्या चौराहे पे। हर बार के तरीके इस बार भी बहुत ही खूबसूरत पंडाल सजाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पंडाल दिखाए। हमारी गणेश पूजा समिति 36 वर्षों से अपना कार्यक्रम चला रही है, ठीक है, 1998 से 1989 से हमारी गणेश पूजा की स्थापना रखी गई थी और इसके संस्थापक माननीय सुभाष सिंह जी थे। उसके बाद से लगातार यहाँ पे कार्यक्रम होते आ रहे हैं। अब कुल 36वां वर्ष है। 36वें वर्ष में हर वर्ष कुछ न कुछ हम लोग अलग करने का प्रयास करते हैं। प्रयासों में जैसे बच्चों को शिक्षा के रूप में, उनको डांसिंग के रूप में और कला प्रतियोगिताओं के रूप में उनको आगे बढ़ाने का काम समिति द्वारा कराया जाता है। हमारी गणेश पूजा समिति लखनऊ की सबसे पुरानी समिति है और इस समिति ने एक कैंट में हम लोग ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान आ रहे थे तो वहाँ देखा मिलिट्री में एक गणेश जी का उत्सव हुआ करता था। तो हमको ये समझ में आया कि समिति ने यहाँ आके एक मीटिंग की हम लोग आपस में कि क्यों ना हम लोग गणेश उत्सव कराया जाए। तब से 1989 से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं। 1989 से करा रहे हैं इसको। और ये कब तक चलेगा, आप लोग का क्या क्या प्रोग्राम रहता है इतने दिनों के बीच में? इसमें कुछ शैक्षिक प्रोग्राम रहते हैं, कुछ बच्चों के लिए डांसिंग होते हैं, कुछ खेल होते हैं, कुछ प्रतियोगिताएँ होती हैं। इस हिसाब से बच्चों के हिसाब से लेके किया जाता है। मूर्ति विसर्जन 14 तारीख को है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।